hell is going on, Colonel Luthra? Kabir is gone rogue, ma'am. Kabir is our best. इससे पहले वो कुछ और करे, kill him. कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके. कदीरप्पा, क्या हमारे पास और हथियार नहीं है? बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को उनके डांस और एक्शन के लिए जाना जाता है और फैंस उनकी मूवी के लिए दीवाने रहते हैं. फिलहाल वो फाइटर मूवी को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है. और अब उनकी मचवेटेड मूवी वॉर 2 को लेकर एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है. खबरों की माने तो वॉर 2 में साउथ की एक और जबरदस्त एक्टर की एंट्री हो चुकी है. जी हाँ, ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR नजर आने वाले हैं. इसका अपडेट ऋतिक रोशन ने अपने फैंस इंटरव्यू में दिया था. साथ ही आपको बता दें, इस मूवी में जूनियर NTR नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे. यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म को लेकर अयान मुखर्जी ने प्लानिंग शुरू कर दी है. ऋतिक रोशन के साथ फिल्म में हमें सुपरस्टार जूनियर NTR और बॉलीवुड के कुछ न्यू कलाकार देखने को मिलने वाले हैं. बात करें फिल्म के बजट की तो ये फिल्म एक हाई बजट मूवी होने वाली है जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ कमाल के VFX और CGI सीन्स देखने को मिलेंगे. RRR के बाद वॉर 2 में जूनियर NTR को एक्शन करता देखना काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है. मूवी वॉर 2 के लिए जूनियर NTR ने काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज किया है. रिपोर्ट की माने तो इस मूवी के लिए जूनियर NTR ने 20 से 30 करोड़ का चार्ज किया है. बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो ये फिलहाल इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसके बाद ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर दिसंबर में रिलीज होती हुई देखने को मिलने वाली है. साथ ही जूनियर NTR और ऋतिक रोशन को एक साथ एक्शन करते हुए देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. साथ ही खबरों की माने तो इस मूवी में हमें सलमान खान और शाहरुख खान का कैमियो रोल भी देखने को मिलने वाला है. तो आप सब इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं. बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.